जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्शन मशीन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग में हो रही है और हमारे पास इंडक्शन मशीन के दो वर्जन्स है, वन विद स्लिपरिंग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और दूसरा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इनका सिलेक्शन हम किन पॉइंट्स के बेसिस पर करें, इसके लिए हम कुछ डिफरेंस पॉइंट्स देखते हैं जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ कौन सी मशीन उपयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि स्लिप रिंग, तो उस मशीन का कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि स्लिप रिंग्स और ब्रशेज एक्स्ट्रा एलिमेंट के तौर पर इन्वॉल्व हैं, जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में रोटर स्टेटर रोटर वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग एयर गैप, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है और मेंटेनेंस फिर कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो कंस्ट्रक्शन है। दूसरा, जो स्लिप रिंग मशीन में है, कंस्ट्रक्शन वाइज रोटर वाइंडिंग एग्जैक्टली स्टेटर वाइंडिंग के सिमिलर प्रतीत होती है, जबकि रोटर इस केस में स्क्विरल केज रोटर के केस में रोटर वाइंडिंग की जगह हम बात करते हैं रोटर बार्स, जो कि परमानेंटली शॉर्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड्रिक्स। तो इस तरह से दोनों के कंस्ट्रक्शन में रोटर्स अलग अलग टाइप के हैं, रोटर की वाइंडिंग अलग अलग टाइप के हैं और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। हालांकि चूंकि स्लिपरिंग मशीन में रोटर रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्लिपरिंग और ब्रशेस से तीन आउटपुट टर्मिनल्स निकले हुए हैं, तो हम रोटर रेजिस्टेंस इसमें इजीली ऐड करके स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मगर स्क्विरल केज मशीन का रेस्ट्रिक्शन ये है कि रोटर पार्ट्स परमानेंटली शॉर्टेड हैं, तो रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस जिसकी जो सबसे आसान मेथड है स्पीड कंट्रोल की, वो वहां हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो स्लिप रिंग मशीन का रोटर स्पीड कंट्रोल ज्यादा आसान है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है डिफरेंस का, कि चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं स्लिप रिंग वाउंड रोटर मशीन में, तो इसके अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क पॉसिबल है। जिन एप्लीकेशंस में हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, वहां हम स्पीड कंट्रोल स्लिप रिंग मशीन का बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, जबकि स्क्विरल केज मशीन को हम वहां प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क लो है और उसको हम फर्दर रोटर साइड से चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा स्लिप रिंग मशीन में, यदि हम मेंटेनेंस की बात करेंगे। वही क्योंकि स्लिप रिंग्स और ब्रशेस प्रेजेंट है, ये मूवेबल पार्ट है, इनकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, ब्रशेस के साथ वियर एंड टेयर चलता रहेगा, तो फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, जबकि स्क्रेल केज मशीन उसकी आसान कंस्ट्रक्शन की वजह से मिनिमम मेंटेनेंस मशीन मानी जाती है। तो तीसरा पॉइंट हम कहेंगे इसका, कंस्ट्रक्शन के अलावा कंस्ट्रक्शन की वजह से कॉस्टिंग भी इफेक्ट हो रही है। क्योंकि स्लिपरिंग मशीन कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा पार्ट्स हैं, तो कंपेयर टू स्क्रिल केज मशीन ज्यादा कॉस्टली होगी और स्क्रिल केज मशीन सिंपल और रोबस्ट होने की वजह से कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट फिक्स हो रही है। ठीक है, सो इन सब चीजों को देखते हुए आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जो स्लिपरिंग वाउंड रोटर मशीन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट इज मे बी अराउंड 10% कंपेयर टू स्क्विरल केज मशीन, क्योंकि वो अपने सारी खूबियों की वजह से बड़ी वाइडली यूज हो रही है। फिर चूंकि स्लिप रिंग मशीन में रोटर पर वाइंडिंग है, स्लिप रिंग्स हैं, ब्रशेस हैं, कॉपर लॉसेस आर हायर। कॉपर लॉस हाई होंगे, ऑब्वियसली एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, और कंपैरिजन में स्क्विरल केज मशीन के अंदर कॉपर लॉसेस कम है, इसलिए हाई एफिशिएंसी है। ओके, लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन को हम वहां प्रिफर करेंगे जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हो, जैसे कि हॉइस्ट क्रेन एलिवेटर जैसे एप्लीकेशंस में, जबकि स्क्विरल केज मशीन को हम वहां प्रिफर करेंगे जहां हमें मेंटेनेंस फ्री और लो स्टार्टिंग टॉर्क के साथ काम आ सके, जैसे कि लेथ्स में, ड्रिलिंग मशीन्स में, फैन, ब्लोअर, प्रिंटिंग मशीन, इन सब एप्लीकेशंस में हम स्क्विरल केज मशीन को प्रिफर करेंगे।